जी ये फुल एडल्ट हैं, ब्रीडर हैं माशाल्लाह। एक ये जो डियर मौजूद हैं अल्बिनो डियर, गिलगित के और कोयटा के बकरे होते हैं जिनके बड़े बड़े लंबे लंबे बाल। जी अलीम भाई, आपने बताया कि कुछ फीमेल्स इसमें प्रेग्नेंट भी हैं, तो 1000 रुपये का पेयर है ये? एडल्ट पेयर है। एडल्ट पेयर है। कलर उड़ गया इसका अगर आप एक देखो, ब्लैक शेड आ रहा है इसके अंदर, कलर ज़्यादा हैं। मेरे खास सब रेडी टू ब्रीड है, वो ब्रीडर हैं, बच्चा तो खैर कोई भी नहीं। सवाए वो कौन से ईयर को बॉर्न है वो देखते हैं, तो उनको नॉलेज है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल में। एक बार फिर आप तमाम व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर हूँ, और आज जैसा कि आप तमाम व्यूवर्स देख चुके हैं इंट्रो वीडियो में कि प्राचा हाउस पे मौजूद हैं, देखेंगे कि आज प्राचा हाउस पे कौन कौन सी नया ब्रीड देखने को मिलती है, साथ साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो आइए अलीम प्राचा से बात कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। और बताएं अलीम भाई कि आज आपने इस लॉकडाउन के बाद शिपमेंट मंगवाई, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आज कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से बर्ड्स आपने मंगवाए? यार दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी शिपमेंट जो मेरी आई थी 7 मार्च 2020 को आई थी, तकरीबन अप्रॉक्स पूरा एक महीने बाद, एक साल बाद पूरे, अब मेरी आज पहली शिपमेंट आई है लॉकडाउन के बाद। अब इस शिपमेंट में जो आए हैं आपको बड़े स्टार्ट से बताता हूँ। लामा आए हैं 7 दाने, और उन लामाओं के अंदर 2 दाने आए हैं सूरी लामा, जो अभी तक पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, फर्स्ट टाइम एवर इन पाकिस्तान आए सूरी लामा। एक लामा के अंदर ही एक उनकी अपनी ब्रीड है, लॉन्ग हेयर होते हैं उसके। इसके अलावा मेरे पास वाइट फेलो और कॉमन फेलो आए हैं। वाइट फेलो के अंदर मेरे पास कोई 5 फीमेल है और 1 मेल है, और कॉमन फेलो 8 मेल हैं। और उसके अगर बाद थोड़ा और छोटा आएँ तो मेरे पास वेलाबीज़ आएँ, वाइट वेलाबीज, जो वेलाबीज़ कहते हैं छोटे कैंगरू को। कैंगरू बहुत बड़ा होता है, वो हम लोग घर में रख नहीं सकते एज अ पैट, वो बहुत बड़ा होता है। तो वेलाबीज वही कैंगरू ही है, कैंगरू का आप बोना साइज कर लो, और वाइट कलर में है, और माशाल्लाह उसके पेट में बच्चा भी है, वो भी अपने मर्जी से बाहर भी आता है वापस भी जाता है अंदर, 2 पेयर उसके हैं। माशाल्लाह, तो काफ़ी अच्छे अच्छे नायाब एनिमल आपने मंगवाए हैं, तो ये शिपमेंट का सिलसिला जारी हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत 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 मुश्किल हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंपोर्ट खुल गई। ठीक है, और ये बताएं कि पहले जो वीडियो बनाई थी उसका रिस्पांस कैसा मिला, जो आपने उसके पिजन के पेयर मंगवाए थे, इसके अलावा आपने बाकी ब्रीड्स? बहुत अच्छा रिस्पांस आया, अभी तक उसका रिस्पांस आ रहा है। मेरे पास पिजन्स हैं नहीं सेल के, जितने थे माशाल्लाह आप लोगों के रेफरेंस से सारे सेल हो गए, और उसके अलावा मुझे अभी तक कॉलें आती हैं, लेकिन अभी पहली शिपमेंट खुली है, लोग कह रहे हैं पिजन पिजन, लेकिन अभी पिजन आए हैं, लेकिन वो ऑर्डर के हैं, इंशाल्लाह 2-3 शिपमेंट बाद और पिजन्स आएंगे तो उसके लिए, लेकिन सब आप लोगों का ही वो है। जज़ाकअल्लाह। तो आइए व्यूवर्स, इनके पास जो इम्पोर्टेड ब्रीड आई है उस पर नज़र डाल लेते हैं। जी अलीम भाई, यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो डियर मौजूद हैं अल्बिनो डियर, ये वाइट फेलो डियर है। असल में फेलो डियर के अंदर 3 म्यूटेशन आती हैं, सबसे कॉमन वो जो है वो कॉमन फेलो डियर कहलाते हैं, उसे स्पॉटेड फेलो डियर भी कहते हैं, जो आप देख रहे हो ब्राउन कलर के हैं, उन पर वाइट वाइट स्पॉट्स हैं, इन्हें स्पॉटेड फेलो डियर भी कहते हैं, कॉमन फेलो डियर भी कहते हैं। फिर इसके बाद जो आती है वो वाइट फेलो डियर, अल्बिनो फेलो डियर कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और आती है ब्लैक फेलो डियर, वो बिल्कुल ब्लैक होते हैं भैया, बिल्कुल रेड कह लो उनको, डार्क चॉकलेट कलर में वो होते हैं। तो ये मेरे पास माशाल्लाह 2 वैरायटी इस बार आई है, वाइट फेलो डियर और कॉमन फेलो डियर। अच्छा, तो प्राइसेस की बात कर लें तो ये बताएं कि प्राइसेस में क्या फ़र्क आया और अभी इनके क्या प्राइसेस हैं? बॉस, प्राइसेस तो असल में यूरो की वजह से थोड़ी सी ऊपर हो गई है। पहले हम लोग बेचते थे 1,35,000, 1,40,000 रुपये की फ़ीमेल, इस दफ़ा हम लोग 1,60,000 रुपये की कॉमन फेलो डियर की फ़ीमेल दे रहे हैं, और ये फ़ीमेल भी माशाल्लाह बहुत बड़े साइज़ की हैं, आप अगर देख सकते हो सब लग भी रही हैं, प्रेगनेंट हैं। और वाइट फेलो डियर की फ़ीमेल जो है वो 2.5 लाख रुपये की है, वाइट फेलो डियर का मेल जो है वो 1,60,000 रुपये का है। अच्छा, अगर कोई पेयर लेना चाहे तो उसमें पेयर एक मेल 1,60,000 का, 2.5 लाख की फ़ीमेल 4,10,000 रुपये का उसको फ़ीमेल मिल जाएगा, पेयर मिल जाएगा। अच्छा, तो ये आप जो बता रहे हैं ये वाइट फेलो डियर का बता रहे हैं? ये वाइट फेलो डियर, कॉमन फेलो डियर जैसा मैंने आपको बताया 1,60,000 रुपये का पीस है, 1,55,000 रुपये फाइनल में दे देते हैं। ठीक है, और पेयर की अगर बात करें सेम, इसमें मेल फीमेल सेम सेम प्राइस है, सेम प्राइस है।
अच्छा, यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ डियर, तो इनकी एजेस थोड़ा सा मेंशन कर दिएगा कि इससे पहले ये ब्रीड दे चुकी है क्या, ये अभी फर्स्ट टाइम ब्रीड देंगे? दोस्त देखो, लग तो रहा है कि पहले ब्रीड दे चुकी हैं, क्योंकि जो इनका साइज़ है, पहली बार जो ब्रीड दे रही होती हैं वो इतनी हेल्दी नहीं होती। आपको पता है कि अगर कोई गाय पे पहली बार बच्चा देती है वो हेल्दी नहीं होती, जो बच्चा दे देती है तो उसके पास वो दूध भी आ जाता है और वो पहले से ज़्यादा हेल्दी होती है। एग्जैक्टली, थोड़ी ये सारी हेल्दी हैं तो मकसद पहले ब्रीड कर चुकी हैं। ठीक है, यानी कि आपका एक ये श्योरिटी अंदाज़ा है, एक्सपीरियंस है कि ये पहले ब्रीड दे चुकी है। एक्सपीरियंस है, इसमें गारंटी कोई चीज़ नहीं दे सकते, क्योंकि ये डेयर्स हैं, इनके अंदर ना इनका वो छत्ता नीचे आता है और ना ही इनमें कुछ और अलामत से पता चलता है, ना इनका आप टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेयर्स इन्हें पकड़ ही नहीं सकते। ठीक है, पकड़ना इनको इतना मुश्किल है कि उसमें जानवर ख़राब हो जाता है, तो इसमें ऐसी अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। जी अलीम भाई, ये बताएं कि इस दफ़ा जो ये शिपमेंट आई है तो कहाँ से इंपोर्ट किए हैं ये आपने एनिमल्स? दोस्त, ये सारा यूरोप से आया है, बेल्जियम से आया है। ठीक है, यूरोप के अंदर भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, तो उसमें असल में बेल्जियम अलाव था तो हमने बेल्जियम से शिपमेंट मंगाई है। जी अलीम भाई, देख रहा हूँ माशाल्लाह लामा भी इस दफ़ा आपने इम्पोर्ट कराए, तो इनके बारे में बताएँ, ये एडल्ट हैं? इसमें मेरे पास 7 दाने लामा हैं, जिसके अंदर जो कॉमन लामा हैं वो 5 दाने हैं और 2 सूरी लामा हैं, और जो 5 दाने लामा हैं उसमें से एक ट्रायो, 2 फीमेल 1 मेल जो है वो ब्रीडर है, और एक मेल 1 फीमेल जो है वो एडल्ट है, मतलब अभी टाइम लगेगा उनको थोड़ा सा। अच्छा, ये जो आपने बताया सूरी लामा, तो इनमें और कॉमन लामा में क्या फ़र्क होता है? अगर आप देख सकते हो, सूरी लामा जिस तरह आपके गिलगित के और कोयटा के बकरे होते हैं जिनके बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, तो सूरी लामा वो होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक बैठा हुआ जो है ये मेल है सूरी लामा का, इसके बालों का स्टाइल ही अलग होता है, इसके कान का स्टाइल अलग होता है, और एक इसकी फीमेल अंदर भी खड़ी हुई है वाइट कलर की। ठीक है, ये सूरी लामा है, ये अगर आप नेट पे भी देखोगे सूरी लामा लिखोगे तो इनकी आँखों की पलकें, इनके बाल, सर के बाल, आपको कॉमन डिफरेंस दिख जाएगा, उसके सर के ऊपर ये बाल हैं, आँखों की पलकें हैं, उनके बाल लटक रहे हैं। अच्छा, तो प्राइस रेंजेस में क्या डिफरेंस आती है? प्राइस सेम है दोनों की, और अल्लाह भला करे, बस ये है। ईच लामा की क्या प्राइस है? इसके अंदर फीमेल लामा जो है वो 6 लाख रुपए की होती है, और मेल लामा जो है वो 3 लाख रुपए का होता है। अच्छा अलीम भाई, ये बताएं, इनकी कंडीशन देख के, इनकी हेल्थ देख के आपको क्या लगता है ये इससे पहले ब्रीड कर चुकी हैं? इसमें जो 2 बड़ी फीमेलें हैं वो तो अभी प्रेग्नेंट भी हैं और पहले ब्रीड कर चुकी हैं। जी अलीम भाई, ये आपने बताया कि कुछ फीमेल जिसमें प्रेग्नेंट भी हैं, तो इस कंडीशन में भी सेल करेंगे इन्हें? बिल्कुल, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये वाली फीमेल जो है इसका अगर आप पेट देखो, एज देखो, आपको हर चीज़ पता लगेगा, आपको साफ वाजे दिखेगा इसका, क्योंकि इनका बच्चा पूरे साल लगता है पैदा होने में ना, तो जो बच्चा होता है इनका तो माशाल्लाह वाकई में बहुत बड़ा होता है। अगर आप इसका साइज़ देखो, इसका पेट का स्ट्रक्चर देखो, आप खुद कहोगे कि ये वाकई में प्रेग्नेंट है। तो एक डियर के बराबर तो होता होगा इसका बेबी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डियर के बराबर होता है, बहुत जल्दी डियर से कद काट निकाल लेता है, फेलो डियर के बराबर तकरीबन पैदा होता है वो, और वो विद इन अ मंथ जो है वो अप्रोक्स घोड़े के बराबर हो जाता है, छोटे घोड़े के बराबर। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये बताएं कि हमारे व्यूअर्स के लिए इसमें कॉपरेट होगा? बिल्कुल, देखो दोस्त, ये तो अभी मैं तकरीबन जितनी भी चीज़ें मंगा रहा हूँ ये प्री बुकिंग पे बिक रही हैं, क्योंकि अभी इम्पोर्ट खुली है तो हर किसी का ऑर्डर है, तो अगर किसी को चाहिए होगा वो मुझे ऑर्डर कर देगा, और तो मैं उसको फिर नेक्स्ट शिपमेंट में, मेरी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर 15 दिन बाद शिपमेंट आएगी, तो उसे 10 से 15 दिन का वेट करना पड़ेगा, और उसको हम वीडियो भेज देंगे, चीज़ आएगी और वो ले जाए। ओके, तो इसकी प्राइस क्या रेंजेस होंगी जैसे अभी? देखो दोस्त, अगर बड़ा पेयर लेते हैं ब्रीडर पेयर, वो मैं आपको 9 लाख रुपये का फ़ाइनल दूंगा, छोटा पेयर लेते हैं वो 8 लाख रुपये का फ़ाइनल दे दूंगा। छोटे पेयर में जैसा आप ये देख सकते हो, ये मेल बैठा हुआ है छोटा, और एक ब्राउन कलर की इसके साथ जो है वो फीमेल है, ये छोटा पेयर है, छोटी एज का पेयर है, मतलब छोटे पेयर से मुराद छोटा। अच्छा, इसको ब्रीडर होने में कितना टाइम लगेगा? ब्रीडर होने में कम से कम अभी साल भर लगेगा। अच्छा, तो ये 8 लाख रुपए इसकी प्राइस? ये 8 लाख रुपए का है, और वो आपको 9 लाख रुपये का ब्रीडर पेयर 9 लाख रुपये का। जी अलीम भाई, ये जो हम देख रहे हैं टब में आपने पानी रखा हुआ, ये लाल हो रहा है, तो क्या इनको डिहाइड्रेशन के लिए कोई दवाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल दोस्त, जब ये बाहर से शिपमेंट आती है ना, तो ये सारे जानवर अप्रॉक्स 2 दिन के लिए, 48 घंटों के लिए एक छोटे से बॉक्स के अंदर बंद होते हैं, बाय एयर ही उनका वो होता है, और टेम्परेचर उनका इतना, वहाँ जहाँ सर्दी है और यहाँ गर्मी है, ड्रॉप होता है, तो उसके लिए हम इनको ग्लूकोज, पैरासीटामोल, कॉफ सिरप, फीवर सिरप, पेन किलर्स, ठीक है, ये सारा मिक्स करके इनको हम एंटी एलर्जिक, ये हम इसको पानी में डाल के देते हैं, और ये 5 दिन तक पानी इनको चलता है,
इससे ये होता है कि इनकी जो भी आते हैं आप देखो सारे जानवर स्ट्रेस फ्री होकर टेंशन फ्री होकर बैठे हुए रिलैक्स हैं, उनकी बॉडी का सारा पेन निकल चुका है, अपना एंजॉय कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये ज़रूरी होता है इनके लिए क्योंकि इनको इनकी थकान ज़रूरी है। आप भी कहीं फ्लाइट में अगर शिप में भी ट्रैवल करके आओ कभी किया ना हो तो आपकी बदन में बॉडी में सब पेन होता है, तो इसलिए इनको ये सब चीज़ें देनी पड़ती हैं। अच्छा, यानी इनको स्ट्रेस फ्री करके बिल्कुल एक फैमिली इन्वायरमेंट में लेकर क्लाइमेटाइज करने क्लाइमेटाइज कर रहे हैं इनका बॉडी, पानी का बॉडी का पानी भी कम ना हो, उसमें ग्लूकोज भी है उसके हिसाब से हर चीज़। तो एनिमल आने के कितने दिनों के बाद डिलीवरी देते हैं आप? दोस्त हम दवाई साथ दे देते हैं, बता देते हैं, अगर कोई कहता है कि मैं 3 दिन बाद उठाऊंगा 4 दिन बाद उठाऊंगा हम कहते हैं ओके। कोई लोग होते हैं वो तो एयरपोर्ट से ही ले जाते हैं ओके, जिनको जैसा सूटेबल लगे उनको फिर गाइड कर देते हैं, गाइड कर देते हैं जी। अलीम भाई अब आप क्या दिखाएंगे व्यूअर्स को? अभी हमने लामा और डियर तो देख लिया ऑलरेडी, अब मैं आपको दिखाता हूँ काफ़ी रेयर चीज़ है, कैंगरू होते हैं काफ़ी बड़े साइज़ के। ये कैंगरू का आप छोटा कर लो थोड़ा बौना कर लो तो इन्हें कहते हैं वेलाबीस। वेलाबीस के अंदर भी दो कलर आते हैं, ग्रे वेलाबी और वाइट अल्बिनो वेलाबी। मैंने अल्बिनो वेलाबीस मंगाए हैं और माशाल्लाह इस दफ़ा जो वेलाबीस भी आए हैं मेरे पास उनकी पॉकेट के अंदर बच्चा भी है माशाल्लाह से। अच्छा। और बहुत खूबसूरत है और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत चंद लोग हैं जिनको मैंने ही दिए, उनके अलावा अभी तक ये और किसी ने नहीं रखे। चलें देख लेते हैं जी। अलीम भाई हम ये जो देख रहे हैं इनके बारे में बताएँ, ये अडल्ट हैं, आपने पेयर मंगवाएँ? जी ये फुल एडल्ट हैं, ब्रीडर हैं माशाल्लाह। एक फ़ीमेल अगर आप थोड़ा गौर करो तो एक फ़ीमेल के पेट में बच्चा है, वो बाकायदा मूव भी होता है, दिखता भी है और मैंने ख़ुद उसे बाहर आते हुए देखा, लेकिन अभी थोड़ा वो डरे हुए हैं तो इसलिए वो फ़ौरन अंदर चले जाता है। तो ये बताइएगा कि ये किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्योंकि आपने तो एक प्लेस बनाई हुई है इनकी, एक जगह बनाई हुई है प्रॉपर, तो इसी तरीके से केजिंग करनी पड़ेगी इनकी? नहीं, इनको गार्डन में भी खुला छोड़ देते हैं लोग, घर में भी खुला छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल टेम होते हैं, ये हाथ से भी खाते हैं। अभी असल में जगह चेंज हुई है तो इस वजह से ये डरे हुए हैं, तो मैंने पहले जिन लोगों को दिए उन्हें तो अपने गार्डन में छोड़े हुए हैं, हर तरीके के वेदर में ये रह जाते हैं। बस ये थोड़े से शाय होते हैं, शाय से मुराद डरते हैं, डरपोक हैं, अगर इनके सामने कोई कुत्ता भौंक जाए या कोई बहुत प्रेशराइज प्रेशर हॉर्न इनके सामने बजा दें बिल्कुल करीब जाके तो इनका हार्ट बंद हो जाता है। अच्छा। तो इनको डर से बचाना होता है, एक तरीके का शॉक नहीं देना आपको दे सकते इनको, बाकी ये बहुत सख्त जान है, इसे कुछ नहीं होता। अच्छा, तो खाने के एतबार से बात करते हैं तो फीड क्या खिला रहे हैं इनको? इसलिए आप समझ लो बकरी की खुराक भी खाता है और खरगोश की खुराक भी खाता है, तो इसको हम बकरे का दाना भी देते हैं, लहसुन भी देते हैं, गाजर भी देते हैं, पालक भी देते हैं, सेब भी देते हैं, सब चीज़ ये ऑलमोस्ट एवरीथिंग खाता है। तो अलीम भाई ये बताएं कि दिन में कितना कंज्यूम कर लेते हैं एक गोट के बराबर ये लोग फीड देते हैं? इसका जो मुझे लगता है हिसाब किताब जो है ना घोड़े जैसा है, इसे ना घोड़े के अंदर ना वो स्टोरेज नहीं होती, वो खाता है और निकालता है, इसका भी यही सिलसिला है। ओके। ये खाता है और निकालता है, इसको मैंने अगर 10 किलो घास भी दूंगा ना इतने सौ को, ये 10 किलो घास भी खा जाएंगे और निकाल देंगे। तो आप किस तरीके से इनकी डाइट मेंटेन करते हैं? यार देखो मैंने एक तरीके एक लिमिटेड दाना है वो डाल दिया, भले वो ख़त्म भी हो जाए ना तो मेरा ये नहीं है कि मैं और डालूँ, मैं उनको उसी दाने पे ही रखता हूँ। हाँ मैं सूखी घास अनलिमिटेड पड़ी रहने देता हूँ, सूखी घास जितनी खानी है खा ले क्योंकि सूखी घास नुकसान नहीं देती। ठीक है, तो इनके क्या प्राइस है पेयर के? ये 7.5 लाख रुपये का पेयर पड़ता है बस। अच्छा, प्लस आप ये बता रहे हैं इसके साथ बेबी भी आया तो? इसके साथ आई है, लेकिन देखें वो तो आपकी लक है ना, वो तो पता नहीं चलता कि बेबी साथ किस में आया, वो कोई मुझे बोले कि मुझे बेबी वाला ही चाहिए, मैं ढूंढते रहा हूँ नहीं मिले, सही तो लक है, जिसकी अगली की लक थी उसने मुझे ऑर्डर किया, वो आया तो मुझे देखा बेबी है इसके अंदर। ठीक है, तो यानी कि डिपेंडिंग ऑन द लक है, अभी जो पेयर आया इसके साथ बेबी भी आया और आपने इसके प्राइस बताए 7.5 लाख। ये जो पानी की बाल्टी के टब के साथ बैठा हुआ है, अगर इसके आप सामने अगर बैली फोकस करेंगे तो आपको दिखेगा माशाल्लाह उसके पेट में वो बच्चा है, वो देखो, और ये बच्चा बाकायदा मूव करता है, आपको अगर थोड़ा टाइम रुकेंगे तो इसके बच्चा बाहर भी आएगा दिखेगा, अगर आपको दिख रहा हो वाइट कलर का इतना बड़ा थैला जो है ये इसकी वो पॉकेट होती है। अच्छा, ये ब्रीड करते हैं इस एनवायरनमेंट में कराची का? बिल्कुल ब्रीड करते हैं माशाल्लाह, लड़काना मैंने पेयर भिजवाए थे, लड़काना के अंदर ये ब्रीड कर चुके हैं जी। अलीम भाई ये जो हम देख रहे हैं पेयर, इसके बारे में बताएं। दोस्त ये ब्लैक स्वान है, स्वान के अंदर दो वैरायटी आती हैं, बल्कि अब तो 3 आती हैं, एक ब्लैक स्वान, एक म्यूट स्वान और एक ब्लैक नेक स्वान। म्यूट स्वान सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी ब्लैक स्वान होती है, उससे छोटी जो होती है ब्लैक नेक और पीछे से वाइट स्वान होती है वो होती है। अच्छा माशाल्लाह, काफ़ी मैं देख रहा हूँ अट्रैक्शन है इसमें पेयर में। तो ये बताएँ कि इस पेयर के क्या वो है कॉस्ट? 1,55,000 रुपये का पेयर है, ये एडल्ट पेयर है। एडल्ट पेयर है। ओके, तो ये ब्रीड दे चुका है आप? देख, नहीं नहीं नहीं, ये इसकी मेरे हिसाब तक पहली ब्रीड होगी।
पहली ब्रीड होगी, तो अभी क्या है जो कि किस एज पे जाके ब्रीडिंग के काबिल होता है? ये तो रिंग पे लिखा हुआ होता है यार कि पाँव में आप देखो तो रिंग होती है, रिंग में लिखा हुआ होता है कि कौन से ईयर का ये बॉर्न है। मेरे ख्याल से 2 साल के बाद जब हो जाता है ना तो ये अंडे दे देता है। अच्छा, इसमें कोई क्लाइमेटाइज इशू तो नहीं आता? नहीं नहीं नहीं, असल में ये पानी का वाटर बर्ड है, मेरे पास पानी है नहीं, तो मैं जितना रख सका रखा, ये अभी चले जाएगा। अभी ये फार्म इम्पोर्ट होकर डायरेक्ट इम्पोर्ट होकर आया था, तो मेडिसिन वगैरह के लिए समझ लो इसको क्या क्वारंटाइन समझ लो, मैं क्वारंटाइन कर रहा हूँ इधर, मेडिसिन वगैरह दे रहा हूँ, तो ये सेट हो जाएगा, 1-2 दिन बाद फार्म चले जाएगा। और पानी का टेम्परेचर समझ लो आप दुनिया भर में एक ही होता है, बस थोड़ा ठंडा गर्म, तो पानी ये हमेशा पानी में ही रहता है, पानी में ही मीटिंग होती है इनकी। ओके, तो फिर इनको कोई इशू ही नहीं होता। तो यानी कि इनके लिए एक बड़ा पाउंड चाहिए, बड़ा प्लेस हो तो बहुत बेहतर, छोटा भी है बहुत है, बस पानी हो इनके लिए ज़रूरी, जिसमें ये पूरी डुबकी लगा लें। अच्छा, ये फ्लाई भी तो करते हैं? ये फ्लाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं, काफ़ी बार मेरे ये एक 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 पेयर में से उड़ चुका है। तो क्या इसके भी जो विंग्स हैं वो क्रॉप? नहीं, इनके नहीं हुए हुए, क्लिप्ड होते हैं, इनके विंग क्लिप नहीं हुए हुए मैंने देखा, लेकिन इनको फ्लाई करने के लिए थोड़ी सी रनिंग स्पेस चाहिए होती है, वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है। हाँ, कोई बड़ी जगह फार्म पर छोड़ेगा तो ये फ्लाई करने का इसमें डर है, तो लोग क्लिप कर देते हैं। ठीक है, तो इस पेयर में ये एहतियात करनी है? ये बिल्कुल एहतियात करनी है, ये उड़ जाते हैं दो के बाद। ठीक है, इसके बाद व्यूवर्स को क्या दिखाएंगे? मेरे पास बेचने का नहीं है, अभी से बता रहा हूँ, बेचने का नहीं है, किसी भी दाम में नहीं बेचना। मेरे पास सुलकाटा के माशाल्लाह ब्रीडर पेयर्स हैं, उन्होंने अंडे भी दिए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उनको, उनकी वो कैसे करते हैं, हैचिंग कैसे करते हैं हम लोग। मेरे पास इसके अलावा लेपर्ड टॉर्टोइस की 2 फीमेल आई हैं, और मैंने उनको, मुझे मेल नहीं मिला पूरे पाकिस्तान में, तो मैंने उनको सुलकाटा के मेल से क्रॉस कराया, और माशाल्लाह मैंने पहले इसके नॉलेज गोरों से ली, गोरों ने कहा कि ये हो सकता है, और इस ब्रीड को कहते हैं हाइब्रिड को लेपोकैट। ओके, ठीक है, तो ये लेपर्ड और सुलकाटा टॉर्टोइस का मिक्स निकलता है, और इसमें हाइब्रिड होता है, और इसमें सुलकाटा का मेल हो और लेपर्ड टॉर्टोइस की फीमेल हो तो ही ब्रीड होता है। तो मेरे पास माशाल्लाह लेपर्ड टॉर्टोइस की फीमेल आ गई और सुलकाटा का मेल था, और माशाल्लाह मीटिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो यानी कि न्यू अराइवल जो ये हाइब्रिड होगी, ये हाइब्रिड होगी, अभी तक मेरे हिसाब तक पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, मेरे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह पहली ब्रीड आएगी। चलें देख लेते हैं टर्टल्स। जी अलीम भाई, ये जो हम देख रहे हैं ये फीमेल के बारे में बताएं। बिल्कुल, ये लेपर्ड टॉर्टोइस की फीमेल है, और ये काफ़ी एजड फीमेल है, मतलब बहुत एजड फीमेल है, मेरे हिसाब तक ये वही 20-22 साल की है, उससे प्लस ही होगी। अच्छा, कलर थोड़ा सा इसका कलर उड़ गया है इसका अगर आप एज पे देखो, ब्लैक शेड आ रहा है इसके अंदर, और इसकी अगर आप नेट पे भी तस्वीरें देखो, ये पहले ब्लैक कलर का होता है, आहिस्ता आहिस्ता इतनी एज पे जाके ना इसके कलर शेल के उड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये फुल साइज निकाल चुकी है, फुल एज में अपने एज पे। अब तो मार्केट वैल्यू क्या होगी इसकी? कोई मार्केट वैल्यू नहीं है भाई, जो शौकीन होगा वो मेरे ख्याल से 4 लाख रुपये 3 लाख रुपये भी दे देगा, और जो नहीं होगा उसके लिए 10,000 रुपये की महंगी है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सुलकाटा पे भी नज़र डाल लेते हैं। सुलकाटा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह अगर आप ये देखो, ये सुलकाटा का ब्रीडर मेल है। ओके, ये है वो जिससे आपने हाइब्रिड निकलवाया? मेरे पास 2 मेल हैं माशाल्लाह से, 1 मेल ये है और ये सुलकाटा की फीमेल है, और ये भी ब्रीडर है माशाल्लाह, इसने अंडे दिए हुए हैं मेरे पास इस सीज़न में, अभी तक जनवरी से अब तक 3 बार क्लच दे चुकी है, और अभी 4th क्लच की इसकी तैयारी है। अच्छा, ये बताएं कि इनके अभी आपके पास ही थे, तो एज क्या होगी इनके अभी अप्रॉक्सीमेटली? इस फीमेल की एज तो होगी 15 साल, और इस मेल की एज है 9 साल। अच्छा, मेल की एज ये जो हम देख रहे हैं, इस मेल की एज तकरीबन 9 साल पर। अच्छा, ये बताएगा ये इससे ज़्यादा साइज़ गेन करेगा? ये मेरे पास जो सबसे बड़ा मेल आया है, इसको आप 4x4 कर लो। अच्छा, इतना बड़ा साइज, इतना बड़ा, इसको दो, एक इधर रखो, दो और आगे रखो, ये कितना बड़ा बनेगा, उतना बड़ा एक मेल मेरे पास आ चुका है तकरीबन, ये 200 पाउंड्स तक के। बिल्कुल 200 पाउंड्स का ही तकरीबन मेरे पास आ चुका है, वो मेरी एक ऑल्टो गाड़ी के नीचे घुसा तो उसने वो गाड़ी पूरी ऊपर उठा ली थी। अच्छा, माशाल्लाह इतने वजनी, इतना उसमें वो पावर होती है। अच्छा, आपने बताया कि हैचिंग सिस्टम भी दिखाएंगे, तो आपको इसका हैचिंग सिस्टम दिखाऊं? जी अलीम भाई, हैचिंग सिस्टम दिखा रहे हैं आप? हाँ दोस्त, ये मेरा अपना, अगर देखा जाए ना, मेरा अपना जुगाड़ है, ये मैंने कहीं नेट पे भी नहीं देखा, नेट पे भी जो सारे हैं यूरोपियन जो हैं जितने, तो वो सब जो हैं इंक्यूबेटर यूज़ करते हैं। मैंने पहले भी ब्रीड ले चुका हूँ, मैं बाल्टी से ब्रीड लेता हूँ, और ना इसमें मुझे कोई बिजली लगती है ना कुछ। तो ये है, इसमें मैं इतनी मिट्टी डालता हूँ तकरीबन 2 इंच, उसके बाद इसमें अंडे बिछा देता हूँ, और अंडों को बाल्टी से टच होने नहीं देता, और थोड़ा थोड़ा गैप रखता हूँ, और फिर उसमें तकरीबन 4-5 इंच मिट्टी डाल देता हूँ, और इनको ऐसी जगह रखता हूँ धूप में जहाँ 2 से 3 घंटे धूप आए और बाकी छाँव रहे, दिन के वक्त सिर्फ 3 घंटे ज़्यादा धूप नहीं लगे। और मैं इसको हर हफ्ते बाद हल्का सा 50 ml या 10 ml 20 ml पानी सिर्फ गीला करने के लिए ऊपर डाल देता हूँ कि पानी में नमी रहे,
और इसके ऊपर कोई सा भी कैप, कोई सा भी ढकना आप इसको रख दो कि इसकी स्टीम जो है बाहर ना निकले, भाप बाहर ना निकले, और इसे आप ऐसे ऐसे रख के छोड़ दो। 100 दिन के बाद बच्चा आपका खुद ही फटके बाहर आ जाएगा। अच्छा, तो आपने ये एक नेचुरल इनक्यूबेटर तैयार किया हुआ है? बिल्कुल, मैंने कुदरत के रिसोर्स को यूज़ करते हुए इसमें बिल्कुल नहीं, ये वैसे मैंने देखा ना, मैंने स्टडी किया ये कैसे बच्चे निकालते हैं, तो ये ज़मीन में खड्डा करते हैं 1 फुट गहरा, उसमें अंडे देते हैं, मट्टी डालते हैं, छोड़ देते हैं, बच्चे खुद निकल जाते हैं। तो मैंने 2-3 बार बच्चे छोड़ दिए अंडे, मैंने कहा खुद निकल जाएंगे, वो चूहे ज़मीन के अंदर से सुरंग बना के अंडे ले जाएं, या बच्चे भी निकल जाएं ना तो आधे बच्चे निकलते हैं, आधे शैलों के अंदर फंस जाते हैं, पता नहीं लगता आपको अंडे दिए कहाँ इसने, क्योंकि आप जगह भूल जाते हो 100 दिन बाद, और ये जगह पैक ऐसी करती है कि पता ही चले किसी को कि इधर अंडे हो सकते हैं। तो बच्चे 2-4 बच्चे मुझे गार्डन से मिल रहे हैं, बाकी मिल ही नहीं रहे, तो कोई कोई कौवा ले जाता होगा, कोई चूहा ले जाता होगा, बच्चे छोटे होंगे, बाकी ज़मीन के अंदर फंसे फंसे मर जाते हैं। उसके अंदर आपको एक क्लच के 2-3 बच्चे ही मिलते होंगे, बाकी सारे जो कमज़ोर होते हैं वो मर जाते हैं। इसमें मेरे पास 99% रिजल्ट आता है। एक एक बच्चा शैल में फंसा हुआ होता है, उसका भी मैं शैल साफ़ करता हूँ, वो भी धूप में रखता हूँ, तो वो भी क्या नाम है जान पकड़ लेता है। अच्छा, तो अलीम भाई अब कौन से ब्रीड दिखाएंगे? मैं आपको पीजन्स और फीजन्स दिखा देता हूँ। चलो देख लेते हैं जी। अलीम भाई, ये जो हम देख रहे हैं फीजन, इनके बारे में बताएं। दोस्त, ये लेडी फीजन्स खिलाते हैं, ये भी मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी सारे आए हैं पेयर इस वक्त। अच्छा, तो इनकी क्या एज है? दोस्त, इसकी रिंग पे लिखा हुआ है, मेरे हिसाब तक सारे ही पूरे हैं, कुछ के कलर कम हैं, कुछ के कलर ज़्यादा हैं, मेरे खास से रेडी टू ब्रीड हैं, वो ब्रीडर हैं, बच्चा तो खैर कोई भी नहीं। तो इनकी क्या प्राइजेज हैं? दोस्त, ये 55,000 रुपये का पेयर। अच्छा, इसमें कलर कौन कौन से हैं? इसमें लेडी में तो एक ही कलर होता है, इसके अलावा मेरे पास दूसरे वैरायटी है फीजन की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी अलीम भाई, ये जो हम देख रहे हैं फीजन, जिसके बारे में बताएं। दोस्त, ये है टेमिनेक ट्रैगोपान, ये अभी सिंध में तो पहली बार आए हैं, पंजाब में थोड़े टाइम पहले शिपमेंट उतरी थी इसकी, बाकी सिंध में अभी ये पहली बार आए हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो क्या उम्मीद है इसकी ब्रीड करेंगे यहाँ पर? लोग अभी तक सक्सेसफुल तो हो जाएंगे इंशाल्लाह कुछ टाइम में, मुझे उम्मीद है, और ये काफ़ी रेयर ब्रीड है और काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रीड है, तो इसको सिर्फ बहुत कम ही लोग जो है ना वो कर रहे हैं, जो बड़े ब्रीडर हैं फीजन के, जिनको सारा एक्सपीरियंस है वही इनको रख रहे हैं, और ये ज़्यादातर जो है ना फ्रूट्स खाते हैं, ये दाना बहुत कम खाते हैं। अच्छा, ये बताएँ कि अभी इनकी क्या एज होगी? दोस्त, ये एज मैं कन्फर्म नहीं कर पाऊँगा, सबके रिंग पर लिखा हुआ है वो कौन से ईयर को बॉर्न है, तो जो भी लेगा वो रिंग देखे भाई, रिंग में लिखा नहीं, भाई जो भी ये होंगे यार 1.5 साल से ऊपर के होंगे, मतलब ये ब्रीडर तो होंगे नहीं? नहीं, ब्रीडर का होता तो मेल का मुंह पर्पल हो चुका होता, रेडी टू ब्रीड कह लो इनको। अच्छा, ये रेडी टू ब्रीड है, ये समझ लो आप। तो इनके क्या प्राइसेस हैं? ये 1,25,000 रुपये का आपको पेयर मिल जाएगा। 1,25,000 रुपये का पेयर बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि सिंध में पहली दफ़ा है? सिंध में पहली दफ़ा है, पंजाब में 3 महीने पहले आए, और उससे पहले पूरे पाकिस्तान में नहीं आया था। जी अलीम भाई, ये जो हम पिजन देख रहे हैं इनके बारे में बताएं। दोस्त, इसमें 60 हेड मेरे पास, 60 पीसेज जो हैं वो रेसर पिजन्स हैं, और रेसर पिजन्स भी पेडिग्री रेसर पेडिग्रीज मेरे पास पड़ी हुई हैं, हर कबूतर की एक पूरा पेपर है, उसमें उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। अच्छा, उसका जो रिंग है उस रिंग के नंबर जो है वही उस पेपर के ऊपर आपको मिलेगा, और उसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी भी मिलेंगी। अच्छा, ये भी ब्रीडर है? ये सारे होते ही, इनको आप इनको फ्लाई नहीं करा सकते, इनको आप सीधा रेस नहीं करा सकते, लोग इनकी ब्रीड लेते हैं, उसको रेस के लिए अपने घर तैयार करते हैं, वो बच्चा जो होता है वो आपका घर का पूरा छत पे घूम के आपकी छत को पहचानता है, फिर इनको आप क्या नाम है हैदराबाद जाके, ठट्टा जाके, आगे कोयटा जाके उड़ाएंगे, जो सबसे पहले पहुंच जाता है वो जीतता है। तो ये बहुत स्पीड से फ्लाई पिजन, बहुत स्पीड वो होते हैं, जब इनको रेसर कहते हैं, इस पर लोग रेस लगाते हैं। अच्छा, ये बताएं इस पेयर की कॉस्ट क्या है? ये 15,000 रुपये का पीस है, अगर देखा जाए तो जंगली कबूतर दिखता है, लेकिन जो इसका शौक़ रखते हैं वो इसकी आँखों से, इसकी जो कलियाँ होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो देखते हैं, तो उनको नॉलेज है। ये माशाल्लाह सारे मेरे बिके हुए हैं, ऑन ऑर्डर आए हैं। अच्छा, तो 15,000 रुपये पर पीस है, दैट मीन्स के 30,000 ईच पर पेयर। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ जी, इसके साथ आपको जो लाहौरी शराजी दिख रहे हैं, लाहौरी शराजी ये भी यूरोपियन ब्रीड हैं, ये मेरे एक भाई थे लाहौर में रहते हैं, उनके कोई रिलेटिव बेल्जियम में रहते हैं, तो वहाँ पे वो इनके पिजन्स पड़े हुए थे, इन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे कराची मंगा दो, तो मैंने इनसे जो मेरा ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगते हैं वो लिए, तो इनको 10 पीस इनके बेल्जियम से उठा के यहाँ मंगा दिए, और इन मैं इंशाल्लाह आज या कल में लाहौर भेज दूँगा।
तो व्यूअर्स, आज हमने अलीम पराचा के हाउस का विज़िट किया, वन ऑफ़ द फेमस प्लेस जहाँ पे ये काफ़ी मल्टीपल ब्रीड्स इंपोर्ट कराते हैं, काफ़ी लोग इनको जानते हैं। जी अलीम साहब, जितने भी आपने यहाँ पे पेट्स दिखाए, एनिमल्स दिखाए, तो हमारे व्यूअर्स को क्या कोऑपरेट करेंगे उसमें? बिल्कुल दोस्त, मेरा मकसद ही, मेरा एम ही यही है कि पाकिस्तान के अंदर नई ब्रीड्स लेके आना, लोगों को नया रोज़गार के तरीके बताना, क्योंकि हम लोग बकरा, गायें, ऊँट, बैल और चंद ब्रीड्स के पीछे ही लग गए हैं। उसको हम लोगों ने इतना कचरा कर दिया, इतना कचरा कर दिया कि आपको बकरे का बच्चा 5,000 रुपये का भी मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, अगर आप यही चीज़, वो बकरा जितना खाता है उतना ही एक फेलो डियर खाता है, ठीक है, और अभी उसकी प्राइस इतनी ऊपर नीचे है। अगर इसकी ब्रीड ज़्यादा हो जाए, जिस तरह बकरों की हो रही है या दूसरी आम चिंकारों की, हमारे देसी हिरन है उनकी ब्रीड हो रही है, इनकी ये ब्रीड ने उतना ही खाते हैं ये और उतने ही बच्चे देते हैं, तो इसकी प्राइस खुद ब खुद चिंकारा के बराबर हो जाएगी, तो हम इन्हें री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं बताऊँ आपको, जब लॉकडाउन के अंदर यही जो मैं फेलो डियर की फ़ीमेलें फ़ाइनल 1-55 की दे रहा हूँ, यही फ़ीमेलें मैंने 2-2 लाख रुपये की लिए आगे लेके आगे लोगों को दिए जिनको नीड थी, तो इतना रेट ऊपर हो गया था। ये तो लॉकडाउन खुला है तो मैं वापस रेट नीचे लेके आऊँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं नीचे से नीचे रेट लाते रहूँ। मेरा काम है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखता इतना, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इसके अलावा भी अगर फर्दर जो आपने रेट यहाँ पे कोट किए हैं वीडियो में, इसमें फर्दर हमारे व्यूवर्स के साथ डिस्काउंट बहुत थोड़ा सा होगा, जो हो सका मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। अच्छा अलीम भाई, ये बताएं कि डियर की और भी स्पीशीज़ हैं जिसमें चिंकारा हो गई, ब्लैक बक हो गया, तो ये नज़र नहीं आया, वो कब तक आ जाएंगे इंशाल्लाह? दोस्त देखो, मैं ना वो चिंकारा, ब्लैक बक, चीतल, हॉक डियर सब हैं, सब मैं अरेंज करके दे सकता हूँ। मैं अपने घर पे नहीं रखता, हाँ लॉकडाउन के अंदर मेरे पास वही थे, लोकल ही घुमा रहा था, लेकिन अब मैं जब इम्पोर्टेड जानवर लेके आता हूँ तो उनके अंदर कुछ वायरस होते हैं, कुछ वायरस इनके अंदर होते हैं, अगर मैं दोनों को साथ रखूँगा ना तो ये वायरस चेंज हो जाते हैं। तो मैं 5-6 दिन जो क्लाइमेटाइज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ कोई पाकिस्तानी जानवर रखता ही नहीं, उनको सिर्फ यही होते हैं, और जगह पूरी जो है ना डिटॉल से स्प्रे करवाता हूँ, चूना डलवाता हूँ कि सारे जम्स मरी हैं। ये 5 दिन इधर रहते हैं तो इनके सारे वायरस जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, इनको डिटॉल से स्प्रे करके करते हैं, इनके ऊपर पूरी बॉडी पे आप देखोगे ना शावर रखा हुआ, सिर्फ डिटॉल का स्प्रे होता है, तो इनके सारे जम्स मर जाते हैं। फिर जाके मैं इनको किसी फार्म वाले को देता हूँ तो उसमें एडजस्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ ब्लैक बक चिंकारा रखूँगा तो वो ख़राब होंगे और ये उनसे ख़राब होंगे, तो किसी भाई को रिक्वायर्ड होंगे मार्केट में भले रेट पता कर ले, मैं उनको अरेंज करके दे दूंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा फर्दर आपने एक ऑफर और दे दी थी स्टार्टिंग में कि अगर कोई भी ऑर्डर देना चाहता है या कोई एनिमल पसंद है तो वो आपको बता दे, आप इंपोर्ट करा दें। बिल्कुल दोस्त, मेरी आईडी भी है फेसबुक पे अलीम पराचा, वहाँ मेरी जो शिपमेंट आने वाली होती है मैं 10-15 दिन पहले या 5 दिन पहले उसकी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो जो मेरे वायर्स हैं वो वहीं से पसंद कर लेते हैं, कहते हैं भाई ये वाला पेयर मेरा बुक, जो टोकन मनी 5% 10% जो देना चाहें वो दे देते हैं मुझे, और जब शिपमेंट आ जाती है तो पेमेंट दे के अपनी ले जाते हैं, एयरपोर्ट से ही ले जाते हैं, जिनको ट्रस्ट है वो पूरी 100% पेमेंट भी कर देता है भाई। ठीक है, तो अलीम भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें व्यूअर्स के साथ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03212132132, और यही व्हाट्सएप पर है, और बाकी फेसबुक पे मेरी आईडी है अलीम पराचा के नाम से, उसे फॉलो कर लो, मैं वहीं सारी चीज़ें जो है अपलोड करते रहता हूँ। चलें, इस उम्मीद के साथ यूएस के साथ कॉपरेट करेंगे, आपसे इजाज़त। बिल्कुल इंशाल्लाह, और मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट शिपमेंट आ रही है 14 दिन बाद एक और, फिर आपसे मुलाकात। चलें, जज़ाकल्लाह। तो व्यूवर्स, आज अलीम पराचा ने हमें इनवाइट किया था, खसूसी तौर पे इनकी शिपमेंट आई थी, तो खुशखबरी यही है कि ये जो शिपमेंट का सिलसिला था ये दोबारा से जारी हो गया है, इंपोर्ट होना दोबारा से जारी हो गई है, और इसी तरीके की हम आप तमाम व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर करते रहेंगे वीडियोस। जैसे जैसे शिपमेंट आएगी अलीम पराचा के पास आएंगे, और जहाँ पर भी रेयर ब्रीड के एनिमल्स होते हैं वहाँ हम आप तमाम व्यूवर्स के लिए जाते ही हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आप तमाम व्यूवर्स की खिदमत पेज कर दे रहेंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।